गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। मैं जसबीर कौर, आपकी हिंदी अध्यापिका। पिछली बार कबीर दोहावली के आपको मैंने पिछले वीडियो में चार दोहों के अर्थ बताए थे। कबीर जी के बारे में भी आपको बताया था। कबीर का जन्म, कबीर भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म और मृत्यु को लेकर अनेक मत मिलते हैं। फिर भी अधिकतर विद्वान कबीर का जन्म सन 1398 तथा निधन सन 1598 में स्वीकार करते हैं। कबीर जी की रचनाएं, कबीर जी निरक्षर थे, माना वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कोई रचना नहीं लिखी, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को ही मौखिक तौर पर कहा। उनके शिष्यों ने उनके निधन के बाद उनके उपदेशों को रचनाओं के रूप में संकलित किया, जो कि बीजक नाम, बीजक उनकी संग्रहों का नाम है। उनके जो अनुभव उन्होंने मौखिक तौर पर अपने कहे थे, उनके शिष्यों ने जब उनको बाद में लिखा तो बीजक ग्रंथ का उसको नाम दिया गया। इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी दोहों में लिखी गई है। साखी साक्षी, गवाह शब्द से बना है। कबीर जी की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पाठ में कबीर की उन साखियों का संग्रह किया गया है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, सही गलत का विवेक देती हैं और जीवन के सत्यों को पहचानने की दृष्टि देती हैं। पिछली बार मैंने आपको पहले चार दोहों के अर्थ करके बताए थे, अब हम अगले चार दोहों का अर्थ करेंगे। अगला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी यानी पुस्तक। अब कबीर जी यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कबीर जी जो कहते हैं, ईश्वर के प्रेम की महिमा का वर्णन करते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना कितना महान है। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गए हैं, परंतु कोई भी विद्वान न बन सका। कवि का मानना है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के ढाई अक्षर पढ़कर समझ लेगा तो वह विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंडित मैंने विद्वान बनना। कवि के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान से, यानी कि किताबें पढ़ के कोई विद्वान नहीं बन सकता, उसे तो परमात्मा से प्रेम करना आना चाहिए, तभी वह ज्ञानी बन सकता है। इसमें कबीर जी ने प्रभु से प्रेम करने की बात कही है। अगला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। अब इसमें कवि कबीर जी बताते हैं कि दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। व्याख्या में कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढने गया, बुरा जो देखन मैं चला, किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढने गया, तो बहुत तलाश करने के बाद मुझे ढूंढने पर भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। कवि का मानना है कि बुराई मनुष्य के अंदर होती है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। हम अगर किसी में बुराई ढूंढने चले तो पहले हम खुद की बुराइयां खोज ले, तो हम उसकी दूसरे किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे। कवि का मानना है मनुष्य में बुराई अपने अंदर होती है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल होए। अब इसमें जो कबीर जी हैं, इंसान को अपने मन में धैर्य, धीरज, पेशेंस जिसको बोलते हैं, रखने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपने आप में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। और वे कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, हे मन धैर्य रखो, क्योंकि धीरज रखने से ही सभी काम हो जाते हैं। जिस प्रकार से माली सैकड़ों घड़े पानी डालकर अगर वृक्षों को सींचता है कि शायद पहले फल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वृक्ष पर जो फल है मौसम आने पर ही आते हैं, उससे पहले नहीं आते। इस प्रकार मनुष्य का हर कार्य समय आने पर ही सफल होता है।
यहाँ कवि ने बताया है कि सब्र का फल मीठा होता है और धैर्य करने का उपदेश दिया है कि धैर्य रखने से सभी काम जो है हमारे सफल होते हैं। अगला दोहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ पे जो कवि कहते हैं तरवार, तरवार का मतलब है यहाँ पर तलवार, ठीक है। इसमें कवि जो है वो कहते हैं कि ज्ञानी साधु का जो है वो ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। किसी की जाति को देख के उसके ज्ञान के बारे में हम नहीं जान सकते। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, मोल करो तरवार का, तरवार यानी तलवार, तलवार का मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं। म्यान होता है बच्चे तलवार के ऊपर जो उसका कवर होता है, दैट इज उसको हम म्यान बोलते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति का नहीं। तो हमें साधुओं की ज्ञान देखना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम अगले चार दोहों को व्याख्या करेंगे। दैट्स